अगर तो ऐसा मैं आपको बताएंगे कि घरों में प्रायः क्या तरीके के मीटर होते हैं, पुराने मीटर और नए मीटरों में क्या अंतर होता है वो आज हम आपको बताएंगे। तीन तरीके के मीटर होते हैं जो प्रायः घरों में यूज होते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर, सेमी इलेक्ट्रॉनिक मीटर और डिजिटल मीटर। इसमें से सबसे पुराना जो होता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर, जो पहले घरों में यूज होता था। अब के समय में डिजिटल मीटर घरों में यूज होता है। जो अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर है। इस मीटर में क्या होता है कि एक जो होता है इसमें एक राउंड राउंड घूमता रहता था जो प्लेट होता था, उससे हम केवल इस तरह के मीटर से केवल हम जो है एनर्जी मेजर कर सकते हैं। इससे हम लोग घरों में जो जुड़े हुए लोड और मैक्सिमम डिमांड हम मेजर नहीं कर पाते, केवल और केवल रीडिंग जो होता है के डब्ल्यू एच रीडिंग जो होती है, एनर्जी की रीडिंग होती है, वो मेजर किया जा सकता है। और जो अब के समय में जो डिजिटल मीटर जो घरों में यूज होता है, उससे हम जो है प्राय जो है रीडिंग के अलावा जो है घरों में कितना लोड जुड़ा हुआ है और कितना जो है आपकी जो है हर महीने जो कितने 5-6 महीने की जो हिस्ट्री होती है, हर महीने कितना खर्चा होता है, वो भी इस डिजिटल मीटर में देखा जा सकता है। और मतलब इसमें कई दो तीन फंक्शन जाता है। एक तो इससे हम घरों में जुड़े हुए लोड को नाप सकते हैं और जो है और पिछले 5 महीने का जो है एटलीस्ट जो है कंजम्पशन और डिमांड जो है हम इसका जो है इस मीटर से भी नोट कर सकते हैं। डिजिटल मीटर में जो है हम सोचते हैं कि जो है रीडिंग कैसे देखा जाता है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि डिजिटल मीटर में की डब्ल्यू एच जब आप डिस्प्ले बटन पुश करेंगे तो उसमें जो के डब्ल्यू एच के अगेंस्ट के सामने जो भी डिजिट लिखा रहता है, तो उस वह डिजिट जो होता है आपका एनर्जी होती है। और के डब्ल्यू के सामने जो होता है जो भी डिजिट लिखा रहता है वो घर जो होता है वो मैक्सिमम डिमांड जो यहाँ पे कर सकते हैं घरों में जो कितना लोड जुड़ा हुआ है, ये जो है हम लोग जो है नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मीटरों में ये डिफरेंस होता है। डिजिटल मीटर से हम जो है लोड और 5 महीने की हिस्ट्री भी नाप सकते हैं। थैंक यू, और हमारे वीडियो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।